आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा प्रेस्टीज ड्रोन टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंदौर MP का उद्घाटन 19 अगस्त 2021 श्रावण के पावन अवसर पर परम पूज्य उपाध्याय प्रवीण ऋषि MS और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नेमनाथ जैन प्रेस्टीज ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष मिलेनियम सोया मैन के सानिध्य में प्रेस्टीज ड्रोन टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AICPIF और PIEMR इंदौर MP का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, ओम प्रकाश सकलेचा, MSME विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश सरकार की उपस्थिति में किया गया। डॉक्टर देवीश जैन ने कहा कि यह ड्रोन टेक COE राज्य के युवाओं के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि इसमें रोजगार और उद्यमिता के अपार अवसर पैदा होंगे। प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के श्री दीपिन जैन और श्री हिमांशु जैन इस समारोह के मुख्य आयोजक थे। डॉक्टर संजीव पाटनी CEO AICPIF ने AICPIF के पहलू और स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे निदेशक प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने बताया कि COE ड्रोन R&D ड्रोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के लिए काम करेगा। प्रोफेसर सरिता विजयवर्गीय, प्रोफेसर प्रखर वर्मा, प्रोफेसर आयुष पाटीदार, प्रोफेसर आदित्य अग्रवाल और ड्रोन विशेषज्ञ श्री अभय सिंह लोधी ने प्रेस्टीज इंजीनियरिंग कैंपस के ड्रोन टेक COE से ड्रोन ऑपरेशन का लाइव प्रदर्शन किया। प्रोफेसर सौरभ भट्टाचार्य ने इस ऑनलाइन और ऑन साइट समारोह को सुगम बनाया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर राजीव रघुवंशी ने माननीय श्रीमंत और सभी गणमान्य व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता के साथ आभार व्यक्त किया। सामने तो जो भी बना लो आप तो सिंधिया आए थे, प्रेस्टीज ने कुछ लॉन्चिंग करवाया, क्या है पूरा मामला? प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च एंड अटल इंक्यूबेशन सेंटर, प्रेस्टीज इंस्पायर फाउंडेशन, ये तीनों के तत्वाधान में आज हमने प्रेस्टीज में प्रेस्टीज ड्रोन टेक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया। और ये उद्घाटन हमारे जो सेंटर है, ये सेंटर से बहुत सारी सुविधाएँ और सेवाएँ हम प्रदान करने जा रहे हैं और ये हमारी युवा शक्तियों को एक रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। तो ये सेंटर में पूरे प्रेस्टीज ड्रोन के निर्मित भी होंगी, अलग अलग सेवाएं प्रदान की जाएगी गवर्नमेंट को और प्राइवेट को, तथा हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाएगी ड्रोन पायलट की। तो हम पर्याप्त जो भी हमें मंजूरी जरूरी है वो सब हम अभी लेने जा रहे हैं और ये हमारा आज से ये ओपन शुरू हो गया। सर, एक नई शुरुआत हुई है टेक्नोलॉजी की, किस तरह का फायदा मिलेगा स्टूडेंट को और रोजगार के क्या होगा? नहीं, आज के डेट में भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि हमारे पूरे जो सर्वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और मध्य प्रदेश सरकार की जो पूरी डिजिटाइजेशन स्कीम है पूरे लैंड रिकॉर्ड की, तो उसके लिए ये ड्रोन की बहुत आवश्यकता है। और हर तालुका हर जिले में बहुत ड्रोन ग्राफर्स लगने वाले हैं और उसके प्रोसेसिंग के लिए बहुत बड़ा सेंटर वो हम यहाँ एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और इस प्रोसेसिंग से सरकार को भी फायदा होगा और युवाओं को भी फायदा होगा। आज सिंधिया जी के कार्यक्रमों से उद्घाटन हुआ, कितने अभिभूत हैं आप उनसे? आज तो हम पूरे रोम हर्षित हुए हैं और हमें आशीर्वाद के तौर पर यह उद्घाटन और उनकी उपस्थिति जो हमने उसका अलग अनुभव का यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया है तो बहुत अच्छा लगा हमको। और उनके आशीर्वाद से ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बहुत अच्छा आप सेवाएं प्रदान